कि आपके भी मोबाइल पर गंदे गंदे नोटिफिकेशन या एसएमएस आते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल पर गंदे एसएमएस आने से कैसे रोक सकते हैं, उनको कैसे बंद कर सकते हैं। तो उसके लिए इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में सेटिंग्स को ओपन करना, नीचे आएंगे आपको एप्स का ऑप्शन मिलेगा, एप्स पर क्लिक करना है, यहां पर सी ऑल एप्स पर क्लिक करना है। तो आपके स्मार्टफोन में जितने भी एप्स होंगे वो सब आपके सामने शो होने लगेंगे। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर वाले ऐप को सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपको यहां पर देखिए क्रोम ब्राउजर का ऑप्शन मिल जाता है, क्रोम पर क्लिक करना है। इस तरीके से यहां पर आपको नंबर फर्स्ट या सेकंड पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और आपकी नोटिफिकेशन ऑन होंगी, ऑल क्रोम नोटिफिकेशन, तो आपको इसको बंद कर देना है। उसके बाद बैक आ जाना है, बैक आने के बाद आपको देखिए फिर से नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर अब आपके स्मार्टफोन में जैसे गूगल है तो गूगल पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है, नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को बंद कर देना है। उसके बाद फिर से बैक आ जाना है। अब आपके स्मार्टफोन में कोई और ब्राउजर है, जैसे कि मेरे पास इस फोन के साथ भी ब्राउजर आया था, देखिए दोस्तों ये ब्राउजर है, मैंने इसको सर्च किया, इस तरीके का ऑप्शन आ गया, नोटिफिकेशन पर क्लिक किया, ये भी ऑन है, इसको भी ऑफ कर देता हूँ। दोस्तों आपके स्मार्टफोन में जितने भी ब्राउजर हैं जिन पर आप ब्राउज करते हैं, सर्च करते हैं, तो उनकी इस तरीके से नोटिफिकेशन बंद कर देना है। आप जैसे ही नोटिफिकेशन बंद कर देंगे तो आपके पास गंदे गंदे एसएमएस और नोटिफिकेशन आने बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन में गंदे नोटिफिकेशन या मैसेजेस आने से रोक सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।